सच ही कहा गया है, जोड़ियां ऊपर से ही तय होकर आती हैं। यूं तो आप लोगों ने कई अनोखी जोड़ियों को एक होते देखा होगा, कई अनोखी शादियों को भी देखा होगा, लेकिन यह शादी बिल्कुल अलग है। लड़का दोनों पैर से विकलांग है और लड़की पीठ से कुबड़ है। बताते चले कि दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन भागलपुर की समाज सेवी विजय कुमार यादव ने इस पर पहल की और दो विकलांग युवक युवती को शादी के पवित्र बंधन में जोड़ डाला। शादी में लड़की और लड़के वालों के सारे परिजन भी मौजूद थे। दोनों की शादी बाबा भूतनाथ मंदिर में सारे हिंदू रीति रिवाज व विधि विधान के साथ रचाई गई। युवक चौधरी डी निवासी शंकर यादव का पुत्र बबलू यादव है, जबकि युवती साहिबगंज बिंद टोली निवासी चमरू रजक की बेटी सोनी कुमारी है। वहीं समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि दोनों विकलांग के अभिभावक कई दिनों से शादी को लेकर चिंतित थे। मैंने सोचा कि दोनों को अगर एक सूत्र में बांध दिया जाए तो इससे अच्छा और नेक कार्य कुछ नहीं हो सकता। यही सोचकर हम सबों ने मिलकर दोनों को एक सूत्र में बांध दिया और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देते हुए इसे संपन्न कराया। शादी के बाद वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के परिजन काफी खुश दिखे। मैं इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन और धन्यवाद ज्ञापन उनका करता हूँ जिनका की इनमें सहयोग रहा है। हमारे समाज सेवी विजय भैया जी हैं, शांति समिति संजय यादव जी हैं, इन लोगों के योगदान से एक गरीब परिवार का घर बस गया, इससे काफी खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी को भी कहना चाहूँगा कि अगर आपसे हो सकता है कि वो विकलांग का शादी है, आपका जो प्रोत्साहन राशि 1.5 लाख का जो है अंतरजातीय विवाह होने का, वो इन लोगों का देने का काम आप करें। आज यहाँ भूतनाथ में शादी कर रहे हैं बेटा का, तो अपने मन से सुरक्षित से करें। भूतनाथ मंदिर में मेरा घर चौधरी ढी हुआ। खुश हैं आप? खुशी है बाबू, बहुत बढ़िया। बोलो बढ़िया सर, बढ़िया खुश है, बहुत बढ़िया है बाबू, एकदम बहुत बढ़िया हो गया। हम लोग कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कोई डिप्रो शादी हुआ और ये जो है कि बहुत गरीब परिवार में से था और दोनों विकलांग था, अदर कास्ट में हुआ। लड़की जो है कि बहुत ही लड़का लड़की मतलब बहुत ही गरीब है और दोनों विकलांग हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और किससे क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए? इससे बहुत अच्छा सीख है, 2010 में शादी कर लिए और इससे गर्व की क्या बात होता है। जी बिल्कुल, ये एक अनोखा विवाह है और लड़का लड़की दोनों ही विकलांग है और ये अंतरजातीय विवाह भी है। लड़का का घर चौधरी डी भागलपुर में पड़ता है, लड़की का घर जो है यहाँ साहेबगंज बिनटोली पड़ता है। और क्योंकि बहुत ही मतलब निस्सहाय गरीब परिवार दोनों थे और दोनों जो है अपनी समझौता से दोनों परिवारों के बीच समझौता के साथ ये शादी विवाह हुआ है। और ये संदेश जो समाज में एक अलग तरह का संदेश जाएगा कि जो है किस तरह जो है लोग मतलब अंतरजातीय विवाह करता है, इसमें एक अलग टाइप का संदेश मतलब समाज में जाएगा। अब लड़की भी और लड़का दोनों विकलांग भी हैं तो इसके लिए और क्या कहेंगे? बिल्कुल, लड़का लड़की दोनों विकलांग हैं और आगे चूंकि अंतरजातीय विवाह हुआ है, सरकार से चाहेंगे कि उनको जो कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि दोनों कुछ अपना रोजी रोजगार जो है कर सके घर में बैठ के, चूंकि दोनों ही शरीर से इतना विकलांग है कि एक कदम चलने लायक नहीं है। बाकी अब बाकी जो है भोलेनाथ की कृपा इन दोनों पे बनी रहे।